हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या, सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो सीक्वेंस किसी भी नंबर का अगर कलेक्शन आपके पास है तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। यहां पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास 5 नंबर का कलेक्शन है, 1, 5, 7, 9। अगर मेरे पास नंबर है 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 100, 2 का पावर 9, 2 का पावर -1, तो यहां पे भी मेरे पास 5 नंबर का कलेक्शन है। तो जब कभी भी मेरे पास नंबर का कलेक्शन होगा, जब कभी भी मेरे पास नंबर का ग्रुपिंग होगा, तो उसी सेट को, उसी ग्रुप को, उसी कलेक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। अब वो नंबर जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे ही करे, वो पैटर्न को फॉलो कर भी सकता है और वो पैटर्न को फॉलो नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे क्या है, 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 100, 2 का पावर 9, 2 का पावर -1। यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 100, यहाँ पे 2 का पावर 9 और यहाँ पे 2 का पावर -1। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। यहाँ पे क्या हो रहा, 2-2 करके बढ़ता जा रहा। तो सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर या सेट ऑफ अ नंबर। अब सवाल ये उठता है कि सर सेट क्या होता, मतलब नंबर्स क्या, सीक्वेंस क्या होता। तो सीक्वेंस जो है वो मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है रियल सीक्वेंस और एक होता है इमेजिनरी सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस के केस में जितना भी नंबर होगा सारा का सारा नंबर रियल क्वांटिटी होना चाहिए, और इमेजिनरी सीक्वेंस के केस में अगर एक भी नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी आ गया तो वह पूरा सीक्वेंस इमेजिनरी सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे 2, 3i, 5, 7। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 3i क्या आपका एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो 3i एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस माने तो ये कंप्लीट सीक्वेंस इमेजिनरी सीक्वेंस कहलाएगा। अगर हम यहां पे देखें 1, 3, 5, 7, 9, यहां पे एक भी नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, यहां पे एक भी नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, तो ये दोनों रियल सीक्वेंस कहलाएगा। तो रियल सीक्वेंस के केस में क्या होगा कि जितना भी नंबर होगा, जितना भी डेटा होगा, सब रियल क्वांटिटी होगा। जबकि इमेजिनरी सीक्वेंस के केस में क्या होगा, कम से कम एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो 2 तरह का सीक्वेंस होता है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस नाम से ही पता चला, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब वह सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब वह सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सके। जैसे 2, 5, 7, 10, 30। यहां पे अगर कोई पूछे कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है तो कोई भी आराम से काउंट करके बता सकता है कि इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 2 का पावर 9, 2 का पावर 10, 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, 2 का पावर -2, इसमें अगर कोई पूछे कि इस सीक्वेंस में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पर हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 6 है। तो जब कभी भी हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पा रहे हैं तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस के केस में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ... यहां पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ... तो यहां पे खुद देखिए कि यहां पे क्या हो रहा, टर्म हम बता ही नहीं सकते कि ये कहां पे जाके रुकेगा, ये बढ़ता ही जा रहा। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसे ये कहलाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 5, 3 का पावर 7, ... यहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर पा रहे। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई पूछे कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहां पे कोई बता नहीं सकता कि यहां पे कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा।
तो ये दोनों एग्जांपल जो हो गया वो इनफाइनाइट सीक्वेंस का हो गया और ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया फाइनाइट सीक्वेंस का। तो सीरीज क्या होता है, जब हम सीक्वेंस के हर एक टर्म को प्लस और माइनस से ऑपरेट करते हैं तो वो सीक्वेंस ही सीरीज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, 9, 10 ये आपका क्या है सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ नंबर है, यहां पे 5 नंबर का कलेक्शन। अब हम यहां पे क्या करें, हर एक टर्म को प्लस से ऑपरेट कर दे, 2, 5, 7, 9, 10 तो ये जो आपका आया ये हो गया सीरीज। तो सीरीज में हर एक टर्म प्लस या माइनस से ऑपरेटेड रहेगा, जबकि सीक्वेंस में प्लस और माइनस नहीं रहेगा, वो किससे सेपरेटेड होगा, कॉमा से। यहां पे आप देख सकते हैं, हम यहां पे ये बता सकते हैं कि इस सीरीज में कितना टर्म है, तो 5 टर्म है, तो ये आपका कहलाएगा फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज अगर हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ले 2, 3, 4, 5, 6 .. यहां पे अगर हम हर एक टर्म को प्लस से ऑपरेट करें तो ये 2+3+4+5+6 .. यहां पे आप देख सकते हैं ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम यहां पे क्या किए, इस सीक्वेंस के हर एक टर्म को किसे ऑपरेट कर दिए, प्लस से, तो ये एक सीरीज बन गया। और ये कैसा सीरीज बना, इनफाइनाइट सीरीज। क्यों इनफाइनाइट सीरीज बन रहा, क्योंकि यहां पे भी हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे सीक्वेंस दो तरह का होता था, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक वैसे ही सीरीज भी दो तरह का होता, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस से बनता है, और इनफाइनाइट सीरीज जो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस से बनेगा। और सीरीज क्या होता है, जब हम सीक्वेंस के हर एक टर्म को प्लस या माइनस से ऑपरेट करेंगे तो वही आपका सीरीज कहलाता है। प्रोग्रेशन, अब ये प्रोग्रेशन क्या होता है, आप सुनते होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सवाल ये उठता है कि सर ये प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस में हम क्या देखे थे कि सीक्वेंस जो होता है वो नंबर का कलेक्शन होता है। अब यहां पे गौर कीजिए, 2, 7, 9, 100, -5 ये आपका एक सीक्वेंस। अब अगर हम एक सीक्वेंस ऐसा ले 2, 4, 6, 8, 10 इन दोनों सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो जरा फर्स्ट सीक्वेंस को देखिए 2, 7, 9, 100, -5 तो क्या यहां पे हम गेस कर सकते हैं किसके बाद कौन सा टर्म हो, नहीं, यहां पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टर्म क्या है। लेकिन इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो यहां पे हम नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। जैसे यहां पे 2 है, 4, 6, 8, 10 तो यहां पे क्या हो रहा, दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहां पे हम गेस कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 12 आएगा, उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 14। अगर एक और सीक्वेंस हम कंसीडर करें 2, 2 स्क्वायर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 अब यहां पे गौर कीजिए, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 अगर अब यहां पे कोई पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रिडिक्ट करो किसके बाद कौन सा टर्म आएगा, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में पावर 1 है, सेकंड में पावर 2 है, थर्ड में पावर 3, फोर्थ में पावर 4, फिफ्थ में पावर 5 तो पावर जो वो एक एक बढ़ रहा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 का पावर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 का पावर 7। तो जब कभी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में जब हम नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट कर पाए कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, या फिर जब सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को माने, तो वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे यहां पे ये प्रोग्रेशन हो गया, क्यों ये प्रोग्रेशन हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा। पैटर्न क्या है कि समय दो दो बढ़ता जा रहा है, ये आपका एक प्रोग्रेशन हो गया। क्यों ये एक प्रोग्रेशन हुआ, क्योंकि यहां पे समय क्या हो रहा, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा। लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है, क्यों ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 यहां भी हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा। वो पैटर्न क्या है, यहां पे 1/1 है, यहां पे 1/2, यहां पे 1/3, 1/4, 1/5
तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1/6, उसके नेक्स्ट क्या आएगा 1/7। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया, वो पैटर्न क्या है कि डिनोमिनेटर में 1-1 बढ़ता जा रहा है, तो ये सीक्वेंस भी आपका क्या हो गया, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब कि जब सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे तो वो सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम यहां पे सीक्वेंस के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो, उसके बाद प्रोग्रेशन के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी जीपी एचपी क्या होता है, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं एक प्रॉब्लम है कि an n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, देन फाइंड द सीक्वेंस। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये an क्या है। तो an यहां पे आप देखें an, तो an जो है ये रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, सफिक्स में n है मतलब ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 सफिक्स में 1 है मतलब ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सफिक्स का नंबर होगा वो बताएगा कि वो किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या है, an आपका दिया हुआ है, an n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, देन फाइंड द सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस निकालना है। तो सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म। तो जब सीक्वेंस निकालना मतलब हमको टर्म को कलेक्ट करना, नंबर को कलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम यहां पे नंबर को कलेक्ट करेंगे। कैसे कलेक्ट करते हैं, तो an, an मेरे पास है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो जब कभी भी हम नंबर को कलेक्ट करेंगे तो इसी पैटर्न को मानते हुए कलेक्ट करेंगे, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न को मानते हुए नंबर को कलेक्ट करेंगे और उसी का कलेक्शन जो होगा वो सीक्वेंस होगा। तो यहां पे an n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो हम यहां पे सबसे पहले a1 निकालते हैं, तो n के प्लेस पे क्या है 1, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये 1 के बराबर होगा। फिर n के यहां पे 2 रखे तो ये a2 आया, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं ये 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। फिर हम a3 निकालते हैं तो ये 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 3 स्क्वायर क्या बनेगा 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7। अब अगर हम a4 निकालें तो n के यहाँ पे 4, तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो ये 16, 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा 13। सिमिलरली a5 अगर हम निकालें तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 25 माइनस 5 इज व्हाट 20, 20 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 21। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे हम पांच टर्म निकाले, a1 a1 1 के बराबर, a2 3, a3 7, a4 30 और a5 21। अब हम इस नंबर को एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 7 13 21। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये नंबर का कलेक्शन हुआ, तो यही कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। तो जब कभी भी आपको सीक्वेंस निकालना हो मतलब कि आपको नंबर का कलेक्शन करना है, और नंबर का कलेक्शन जब भी आप करेंगे तो जो पैटर्न दिया रहेगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि इफ ए वन इज इक्वल टू वन एंड ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू वेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन then write the first five terms। मतलब कि आपको first five terms लिखना है, जहाँ पे first term given है, first term one के बराबर है। और यहाँ पे देखिए एक pattern दिया हुआ कि an जो है वो बराबर होगा an minus one plus two के, और ये pattern तभी applicable होगा जब आप n का value two या two से अधिक लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 तो one है, अब यहाँ पे find क्या करना, a2 find करना। तो जब a2 फाइंड करना है तो गौर करें यहां पे n का वैल्यू क्या है 2, तो n का वैल्यू 2 है, तो ये पैटर्न कब एप्लीकेबल है, जब n का वैल्यू 2 या 2 से अधिक रहेगा। तो हम यहां पे n के यहां पे क्या रखते हैं 2, तो अगर n के जगह पे 2 रखे तो यहां पे a2 आया, यहां पे अगर आप n के यहां पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 ये क्या आ जाएगा a1 + 2 हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 का वैल्यू क्या है 1, तो a1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखे, तो ये क्या आ जाएगा 1 plus 2 and 1 plus 2 is what 3. अब a3 अगर हमको निकालना है तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे 3. अब यहाँ पे अगर हम n के यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये क्या बनेगा a2 plus 2 बन गया. a2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, a2 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे अगर 3 रख दें तो ये क्या आ जाएगा 3 plus 2 and 3 plus 2 is 5. अब a4 अगर हम निकालें तो n के यहाँ पे 4 रखे, तो यहाँ पे n के यहाँ पे 4 रखेंगे ये क्या बन जाएगा a3 plus 2 a3 का वैल्यू क्या 5, 5 plus 2 is what 7. सिमिलरली अगर हम a5 पे जाएं तो n के यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा a4 plus 2 आएगा, ये a4 is what 7, तो 7 plus 2 क्या आ जाएगा 9. तो आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, a3 का वैल्यू 5, a4 का वैल्यू 7, a5 का वैल्यू 9. तो अगर आपसे फर्स्ट 5 टर्म पूछा जाए तो इस तरीके से निकालेंगे, अगर आपसे सीक्वेंस कोई पूछे तो भी आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के डॉट 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 कर दें. क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स. अब यहां पे आप तीसरा प्रॉब्लम देखें, यहां पे a1 is equal to 1 is equal to 2, फिर यहां पे एक पैटर्न दिया हुआ है an बराबर है an minus 1 plus an minus 2 के, when n is greater than 2, then find the first 5 terms. यहां पे क्या निकालना, first 5 terms. तो यहां पे आप देख सकते हैं a1 और a2 का वैल्यू पहले से ही मालूम है, फिर जब n का वैल्यू हम 2 से अधिक करेंगे मतलब 3 4 5 के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा. यहां पे पैटर्न क्या है, an जो है वो बराबर है an minus 1 plus an minus 2. तो यहां पे सबसे पहले a1 1 a2 1. अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मालूम, अब यहां पर हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो an is equal to an minus 1 plus an minus 2. तो अगर थर्ड टर्म निकालना तो थर्ड टर्म के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. क्यों? क्योंकि अब साफ कह रहा है कि n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. तो यहां पर अगर हम n के यहां पे 3 लें, तो अगर n के यहां पे 3 लेंगे तो ये क्या बनेगा a3, यहां पे 3 रखेंगे a2 plus a1. यहां पे आप देख सकते हैं कि a2 का वैल्यू 1 है और a1 का वैल्यू भी 1 है, तो 1 plus 1 क्या बन जाएगा 2. अब अगर हम n के यहां पे 4 रखे तो ये क्या आ जाएगा a4, यहां पे अगर हम 4 रखेंगे तो ये a3 आएगा और यहां पे अगर हम 4 रखें तो ये a2 आया. आप यहां पे देख सकते हैं a3 हम पहले ही निकाल चुके हैं, a3 का वैल्यू क्या है 2 plus a2 का वैल्यू क्या है 1, तो ये 2 plus 1 क्या बन जाएगा 3. अब हम 5 निकालते हैं, तो a5 n के यहां पे 5 रखे तो यहां पे n के यहां पे 5 रखेंगे क्या आ जाएगा a4, यहां पे n के यहां पे 5 रखेंगे क्या आ जाएगा a3. आप देख सकते हैं a4 का वैल्यू 3 है, तो यहां 3 plus a3 का वैल्यू क्या है 2, तो 3 plus 2 क्या आ जाएगा 5. तो यहां पे आप देख सकते हैं 5 फर्स्ट 5 टर्म्स मेरे पास आ चुका है, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 1, फिर a3 2 के बराबर, a4 3 के बराबर और a5 5 के बराबर. तो ये तीन प्रॉब्लम मैंने आपको सीक्वेंस में डिस्कस किया. तो इस वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेशन के बारे में कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है. थैंक यू वेरी मच.